राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा तो प्रचार के लिए डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला और तेज कर दिया। उनके निशाने पर अशोक गहलोत सरकार रही, जिस पर उन्होंने कई घोटालों के साथ ही पेपर लीक और भर्ती घोटाले करने का आरोप मढ़ा। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर जनादेश मांगा। जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है, उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पार्टी के लिए वोट मांगने डूंगरपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने जनता का दिल जीतने के लिए स्थानीय बोली का भी सहारा लिया। गहलोत जी कोने मिले वोट जी। प्रधानमंत्री मोदी की भाषण कला का लोहा दुनिया मानती है, तो इसकी वजह उनके सीधे संवाद का तरीका तो है ही, साथ ही स्थानीय भाषा और प्रतीकों के जरिए दिल छूने की काबिलियत थी। डूंगरपुर में भी मोदी यही करते दिखे, जब उन्होंने वहां के आराध्य मावजी महाराज की धरती से एक भविष्यवाणी कर डाली। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने लाल डायरी के बहाने फिर से गहलोत सरकार पर आंखें तरेरी। आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। पीएम मोदी ने विजय महासंकल्प रैली में बीजेपी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी गहलोत सरकार की हमेशा हमेशा के लिए विदाई की मुनादी करते दिखे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सत्ता में लौटकर इतिहास बनाने का दावा करते सुनाई दिखे। और जो बात उन्होंने कई जनसभाओं में कही, उसे ही मीडिया के सामने भी दोहराया। मेरा मानना है इस बार हम 156 की तरफ बढ़ रहे हैं। 199 में 156 सीट पर जीत के दावे कर गहलोत ने कांग्रेस की लहर बताने की कोशिश की, लेकिन चुनावी घमासान में उनकी सरकार और पार्टी पर प्रधानमंत्री ने जैसे तीखे हमले किए, उस पर निराशा जताई। अब प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा के अनुरूप उनका ये वक्तव्य नहीं है, जो उनकी सोच नहीं है। गहलोत ने विरोधी दलों को राजस्थान सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर बहस करने की चुनौती दी। मुख्यमंत्री गहलोत को भले ही प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं के तीखे शब्दों पर एतराज हो, बीजेपी अपने आक्रामक अंदाज को बदलने के लिए तैयार नहीं दिखी। और यही अंदाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पाली की रैली में दिखा, जहां उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर कुछ इस अंदाज में हमला किया। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण ही आए। इससे पहले अमित शाह ने बेहद दिलचस्प अंदाज में जनता के बीच पेपर लीक कांड की चर्चा की। कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट LDC भर्ती का पेपर, SI भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा का पेपर। पेपर लीक कांड की लंबी लिस्ट गिनाकर अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी की जीत के दावे किए। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान है और इस घमासान में कुछ खास दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार कर बीजेपी ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया, जिसकी एक झलक अलवर के तिजारा सीट पर दिखी। जो सांसद बाबा बालकनाथ की उम्मीदवारी की वजह से हॉट सीट में बदल गई, इस चुनावी दंगल की तुलना भारत पाकिस्तान मैच से कर बालकनाथ ने इसे ज्यादा ही हॉट बना दिया। बाहरी जो देश विरोधी ताकतें के अंदर उनकी भूमिका नजर आने लगी है, पैसा भी बाहर से आया है, तो उसके नजरिए से हमने कहा कि जिस प्रकार से ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के सोच के लोग हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव को एक तरह से इस तरह से लिया है, तो उस भाव से हमने वो शब्द बोला था। तिजारा में बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से है और बालकनाथ ने इस चुनाव में देश विरोधी तत्वों से लेकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों की चुनाव में एंट्री का आरोप लगा दिया। इमरान को जो प्रत्याशी है कांग्रेस का,
क्योंकि इसको यहाँ पर सब लोग भिवाड़ी में इस तिजारा क्षेत्र में इसको तालिबानी बोलते हैं सब लोग। जाहिर है तिजारा के चुनावी घमासान में तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण के आरोपों के तीर चले। राजस्थान में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी तो अंतिम दौर में कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जोर लगाते दिखे। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने प्रियंका गांधी जयपुर के शाहपुरा पहुंची तो उन्होंने विरोधी दलों पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो कहते हैं। प्रियंका के मुताबिक बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है वहां बेरोजगारी का क्या दर है। 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। कांग्रेस की महासचिव ने दावा किया कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के साथ ही लोगों को रोजगार दिया। बात पते में अब रुख करेंगे अगली खबर का। 5 राज्यों में 3 में मतदान हो चुका है जबकि राजस्थान और तेलंगाना में मतदान अभी बाकी है। बाकी बचे चरणों में केवल राजस्थान की ही चर्चा ना हो शायद इसी मकसद से तेलंगाना की एक रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना असली रंग दिखाया। और चुनाव प्रचार का वक्त खत्म होने में महज 5 मिनट बाकी होने का एक इंस्पेक्टर ने जब मंच के नीचे से इशारा किया तो वो भड़क गए। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी फिर चलिए चलिए। ऐसा बोलते बोलते AIMIM के नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई खुद इंस्पेक्टर की तरफ उंगलियों से इशारा करते हुए तीखे तेवर के साथ बढ़े और लौटे तो उनकी धमकी का अंदाज हर किसी ने देखा। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है छोवर बढ़िया के ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। बात यही खत्म हो जाती तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी वाली नेतागिरी कहां रह जाती और इसीलिए मजलिस के सामने जूनियर ओवैसी ने अपने अंदाज में अकड़ दिखाने के मौके को यूं ही जाया होने नहीं दिया। और अपनी पुरानी पहचान के मुताबिक ललकारने लगे। इसके बाद धमकी पार्ट 2 शुरू हुआ। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। इसके बाद धमकी पार्ट 2 शुरू हुआ जो ज्यादा आपत्तिजनक बताया गया। इस अंदाज की तुलना ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले को डराने और भीड़ को उकसाने से होनी ही थी। चंद्रन गुट्टा बता दो इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा दौड़ा। लेकिन अकबरुद्दीन ने पुलिस की ड्यूटी निभाने की तुलना उनकी एकता कमजोर करने की साजिश से कर डाली। हालांकि अनुमान के मुताबिक इस पर सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। कोई माय का लाल और बीजेपी ने अकबरुद्दीन के बयान को भड़काऊ होने के साथ ही संविधान विरोधी बताया। भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को 10 डंडे मारते हैं और गिनते 1 हैं तो वर्दी का रसूख भी पता चलता है और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है। इसके साथ ही बीजेपी ने अकबरुद्दीन के पुराने विवादित बयान भी गिना डाले। अकबरुद्दीन ओवैसी तो वही हैं जो कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। फिर से उनका ये अराजक रूप सामने आया है। बीजेपी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर हमलावर नजर आई तो बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले असदुद्दीन ओवैसी भाई के बचाव में उतर पड़े। इशारा और उन्हें अपने भाई के अंदाज में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है बंद करो टाइम हो गया ये क्या है। ओवैसी ने दावा किया कि अकबरुद्दीन के भाषण के दौरान पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए मंच पर चढ़ गए थे। ओवैसी ने चुनाव आयोग से पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या। हालांकि भाई के बचाव करते वक्त सीनियर ओवैसी के तेवर नरम दिखे। जम्मू कश्मीर में 4 सरकारी कर्मचारियों के आतंकियों से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों से संबंध रखने के आरोप में 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए लोगों में एक डॉक्टर, एक कांस्टेबल, एक टीचर और एक लैब बेयरर शामिल है। पंजाब के बठिंडा में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने ISI के आतंकी मॉड्यूल को बेनकाब किया। बठिंडा में ISI से जुड़े 3 आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए 3 आतंकी संगरूर जेल में कैद आतंकियों के संपर्क में थे।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में आज औसत AQI 348 के पार दर्ज किया गया, तो वहीं नोएडा में औसत AQI 336 दर्ज हुआ। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा एक्शन लेते हुए यंग इंडियन की करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की। और AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन की 751 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति में AJL की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है, जिनकी कुल कीमत 661 करोड़ 69 लाख रुपए है। इसके अलावा यंग इंडियन के पास AJL के 90 करोड़ 21 लाख रुपए के शेयर भी हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की इस कार्रवाई पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। और कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम पार्टियों ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को घेर लिया। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी और आयकर विभाग का डर दिखाकर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का आरोप मढ़ दिया। सरकार गिरा रहे हैं, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की गिरा दी, होस्टेडिंग से गिराई, ईडी के दबाव से गिराई, इनकम टैक्स के रेट से गिराई, तो ये कहां की समझदारी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी। कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेताओं ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी हताशा में है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है। ये लड़ाई देश के लिए चल रही है, देश के लोकतंत्र के लिए चल रही है और ये चलती रहे, चाहे आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। तो वहीं JDU ने बीजेपी पर विरासत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। विरासत के साथ ये खिलवाड़ भी हिंदुस्तान की जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, उन्हें इसका नुकसान भुगतने के लिए भविष्य में तैयार रहना चाहिए। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने पर ईडी की आलोचना की। कानून के आधार पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शेयर होल्डर कभी मालिक बनता नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दावा है कि अब से कुछ घंटों के अंदर ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और इसके लिए हैवी मशीनों के जरिए ड्रिलिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ऐसे में एक खुशी की खबर ये भी है कि जल्द ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन को एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक टनल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए चल रहा था, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने बताया कि ऑगर मशीन के जरिए टनल में तेजी से पाइप डाले जा रहे हैं। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेजी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली, वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेजी से निकल जाए। हालांकि अधिकारियों ने अगले कुछ घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी अहम बताए और दावा है कि मलबे के अंदर पाइप डालने का काम बस कुछ ही मीटर रह गया है और इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही घंटे में टनल के अंदर फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इन मजदूरों तक पहुंचने के लिए मास्टर प्लान के तहत काम जारी है, यानी एक साथ कई प्लान पर काम किया जा रहा है। एक साथ 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। ये पाइप्स भी आपको दिखाते हैं, ये उसी तरह के पाइप्स हैं जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के काम आ रहे हैं। ये पाइप जो आप देख रहे हैं तकरीबन 700 mm डायमीटर के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि टनल में पाइप डालने का काम तेजी से हो रहा है और सभी मजदूर जल्द ही बाहर निकल आएंगे। मशीन है ओवर मशीन, वो मशीन काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू टीम जिस स्पीड से काम कर रही है उससे उम्मीद जगी है कि अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर मिल सकती है। एक तरफ जहां टनल में पिछले 11 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों का लगातार हौसला भी बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए वॉकी टॉकी और माइक्रोफोन के जरिए लगातार उनसे बातचीत की जा रही है ताकि उनका हौसला बना रहे। तो वहीं मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें भी पहुंचाई जा रही हैं।
11 दिन से टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, राहत की बात यह है कि अब उनको खाने का ऐसा सामान भी भेजा जा पा रहा है जो पहले नहीं भेजा जा सकता था। तो चावल, रोटी, सब्जी, दाल, इस तरह की चीजें भी जो है डॉक्टर के परामर्श पर भेजी जा रही है। टनल में मजदूरों तक खाना पहुँचाने वाले लोगों ने भी उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की। कल से जैसे सब कोई खा रहा है आराम से, दिक्कत नहीं है। वहीं सुरंग में सुरक्षित मजदूरों की सामने आई तस्वीरों ने भी राहत दी। इन तस्वीरों में मजदूर पीले और सफेद हेलमेट पहने दिखाई दिए। हमास से जंग के बीच इजरायली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजरायल की वॉर कैबिनेट ने एक अहम समझौते को मंजूरी दी, जिसके तहत इसराइल की जेलों में कैद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करने के साथ कुछ दिनों के लिए युद्ध बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं आतंकी संगठन हमास बंधकों को आजाद करेगा। इसराइल हमास के बीच हुई इस डील के मुताबिक गाजा में 4 दिनों का युद्ध विराम होगा। हमास कुल 240 बंधकों में से 50 को रिहा करेगा। रोजाना 10 से 12 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होंगे। तो वहीं इसराइल भी 300 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ेगा। इसराइल ने उन 300 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों की सूची भी जारी कर दी जिन्हें आजाद किया जाएगा। कैदियों में मौजूद 287 फिलिस्तीनी 18 साल या उससे कम के हैं। अधिकांश पर वेस्ट बैंक में दंगा करने का आरोप है। रिहा होने वाले कैदियों में 13 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। हालांकि इसराइल ने शर्त रखी है कि वो 300 फिलिस्तीनी कैदियों को तभी रिहा करेगा जब हमास 100 इजरायली बंधकों को आजाद कर देगा। फिलहाल इसराइल सिर्फ 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यही नहीं, इस दौरान गाजा में लोगों तक भोजन सामग्री और दवाइयां आसानी से भेजी जा सकेंगी। गाजा के सभी हिस्सों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। ईंधन ले जाने वाले ट्रकों को भी गाजा में घुसने की इजाजत मिलेगी। लिहाजा अमेरिका ने इसराइल और हमास के बीच हुई इस डील का स्वागत करने के साथ इसराइली सरकार की तारीफों के पुल बांधे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों की रिहाई के समझौते का स्वागत किया, जबकि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध विराम के लिए इसराइल की सराहना की। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि युद्ध विराम का ये मतलब नहीं कि जंग खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जंग जारी रहेगी। כאילו אחרי ההפוגה להשבת חצופנו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה. हालांकि खबरों के मुताबिक 4 दिन बाद भी सीज फायर के जारी रहने की उम्मीद की जा सकती है। इसराइल ने कहा है कि हर रोज 10 बंधकों को रिहा करने पर 1 दिन का सीज फायर होगा। 46 दिनों बाद इसराइल ने सीज फायर का ऐलान किया तो हमास ने इसका स्वागत किया, जबकि पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, खासकर गाजा के लोगों ने जो हर रोज किसी अपने की मौत का मातम मना रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल और हमास के बीच डील हुई कैसे। दरअसल इस डील को लॉक करने में अहम किरदार अदा किया 4 लोगों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब एर्दोआन ने। अमेरिका हमास के साथ डायरेक्ट डील में शामिल ना होकर कतर के जरिए इसमें साथ रहा, तो वहीं कतर और मिस्र ने हमास नेतृत्व से सीधी बातचीत की। पीस डील के सिलसिले में मोसाद चीफ कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर भी गए थे, जहां उनकी कई शीर्ष नेताओं से गुप्त मुलाकात हुई थी। इस पीस डील को मुकाम पर पहुंचाने में कतर, मिस्र के अलावा तुर्की ने भी अहम भूमिका निभाई। तुर्की कुछ मुस्लिम देशों के सीनियर अधिकारियों को मिलाकर बने ग्रुप में सक्रियता से काम कर रहा था। ये ग्रुप इसराइल हमास में सीज फायर के लिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों और दूसरे अहम देशों से बात कर रहा था। कुल मिलाकर 4 देशों की कोशिशों से इसराइल और हमास के बीच सीज फायर होने के साथ 50 बंधकों की रिहाई मुमकिन होती नजर आई। हालांकि इसराइल हमास डील के बीच एक और बड़ी खबर आई। हमास पीड़ित परिवारों के एक संगठन ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही। अलमागोर टेरर विक्टिम्स एसोसिएशन ने इसराइल हमास डील का विरोध करने के साथ उन कैदियों की सूची देखने की मांग की जिन्हें इसराइल सौदे के हिस्से के रूप में रिहा करने पर विचार कर रहा है। संगठन ने ये चिंता भी जाहिर की कि युद्ध विराम के दौरान खुफिया जानकारी जुटाना बंद करना और ईंधन के साथ दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति से हमास को इसराइल के खिलाफ आतंकी अभियान दोबारा शुरू करने में मदद मिल सकती है। अलमागोर टेरर विक्टिम्स एसोसिएशन के मुताबिक इतिहास में भी बंधकों की रिहाई के बदले ऐसे समझौते होते रहे हैं जिनका फायदा उठाकर हमास दोबारा अपनी ताकत बढ़ा लेता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की 7th आर्मर्ड ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए और नॉर्थ गाजा में उसकी हमास के आतंकवादियों से आमने सामने की जंग हुई, जिसमें इजरायली सेना ने जबालिया स्थित हमास के कई आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, कई निगरानी चौकियों को तबाह कर दिया, जबकि बेट हनौन में रेड मार्कर हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया।
पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड की 202वीं बटालियन ने नॉर्थ गाजा में हमास के कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, नौसेना ने तट के किनारे हमास के ठिकानों पर भी हमले किए, जिसमें एक आवासीय इमारत भी शामिल थी, जहां से हमास के स्नाइपर्स ग्राउंड फोर्सेस पर गोलियां चला रहे थे। वहीं इजरायली मीडिया यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इसराइल के हवाई हमले में इस्माइल हानिया का पोता जमाल मोहम्मद हानिया मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो हफ्ते पहले ही हानिया की पोती रुआ हम्माम की मौत हो गई थी। रुआ हम्माम भी हवाई हमले में ही मारी गई थी। इस बीच इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने नॉर्थ गाजा में हमास के बनाए गए कई शाफ्ट्स और सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक पिछले महीने जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में लगभग 400 सुरंगों का पता लगाया गया और उन्हें नष्ट किया गया। स्पेशल यहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट के सैनिकों ने हमास की सुरंगों को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई। सुरंग के प्रवेश द्वार, रिहायशी इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और नागरिक बुनियादी ढांचों के भीतर पाए गए थे। IDF ने हमास पर जानबूझकर अपने बुनियादी ढांचे को रिहायशी इलाकों के भीतर रखकर गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उधर G20 वर्चुअल समिट में इसराइल हमास जंग पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने सीजफायर के साथ बंधकों की रिहाई के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि युद्ध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज हुए हॉस्टेजिस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजिस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। अंतरिक्ष में इसरो की कामयाबी के बाद अब भारतीय वायुसेना स्पेस सिक्योरिटी के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष में सिविल और मिलिट्री सेक्टर के विस्तार पर काम कर रही है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वायुसेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तकनीक और वैज्ञानिक फ्रेमवर्क को भी तैयार कर लिया है। एयरफोर्स ने अपना नया नाम भी तय कर लिया है, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। नए नाम का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स के इस नए नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। स्पेस में मिलिट्री सर्विस शुरू करने से पहले जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। स्पेस फोर्स बनाने के लिए वायुसेना ने स्पेस सैटेलाइट का एक बेड़ा तैयार करने का भी फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के लिए खासतौर पर 31 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे। वायुसेना के स्पेस यूनिट को तैयार करने में इसरो और DRDO के एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। DRDO की मदद से एयरफोर्स ऐसे विमान बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है जो हवा और अंतरिक्ष दोनों में काम कर सकेंगे। और इन जगहों पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिलने पर एक्शन भी लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आईं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गाजियाबाद में 20 से ज्यादा दुकानों पर छापा मारा। 5 जगह हमें ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं जो हलाल सर्टिफाइड थे, उन सारे प्रोडक्ट को जब्त कर लिया गया है। कुछ सैंपल्स भी जांच को भेजे हैं। खाद्य विभाग की टीम ने प्रयागराज में तलाशी अभियान चलाया और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट रखने वाली दुकानों पर कार्रवाई की। तत्काल प्रभाव से जो भी स्टॉक था इनके पास में, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने यूपी के सहारनपुर, संत कबीर नगर, मुरादाबाद और सिद्धार्थनगर समेत कई जगहों पर छापेमारी की। यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद जहां खाद्य विभाग और औषधि विभाग के अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए, तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। और समाजवादी पार्टी किसान सद शफीकुर रहमान बर्क ने इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं। चूंकि इन्हें अपना इलेक्शन 2024 दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये सारी चीजें कुरेद कुरेद कर बाहर ला रहे हैं। मुस्लिम लीग ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बैन लगाया है, उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बुक्स में जो है ये फैसला लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ ही कई विपक्षी पार्टियों ने भी यूपी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन की घर वापसी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक OpenAI के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन बहुत जल्द कंपनी में वापस लौट सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि सैम ऑल्टमैन कंपनी के CEO
और ग्रेग ब्रॉकमैन प्रेसिडेंट के तौर पर वापसी कर सकते हैं। दोनों की वापसी के लिए ओपनएआई में एक नया बोर्ड बनाया गया है। ओपनएआई के पुराने बोर्ड ने 18 नवंबर को सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद 20 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सोशल मीडिया पर बताया कि सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन अपनी टीम के साथ उनकी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। दोनों दिग्गजों के निकाले जाने के बाद ओपनएआई के कर्मचारियों और इन्वेस्टर्स से बोर्ड पर उनकी वापसी के लिए दबाव बनाया गया और 700 में से 505 कर्मचारियों ने इस्तीफे की धमकी देते हुए पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पद छोड़ने को कहा। ओपनएआई में नया बोर्ड बनने और कर्मचारियों के समर्थन को देखते हुए सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन ने भी कंपनी में वापसी के लिए रजामंदी जाहिर की है। कांगो में सेना की भर्ती के दौरान जानलेवा भगदड़ मच गई। अफ्रीकी देश कांगो रिपब्लिक की राजधानी ब्राजावेले में सेना की भर्ती के दौरान भगदड़ मचने से 37 लोगों की जान चली गई। वहां भर्ती के लिए युवाओं की भारी भीड़ जुटी थी, जो सही इंतजाम नहीं होने की वजह से बेकाबू हो गई। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। फिलाडेल्फिया पुलिस के मुताबिक ये वारदात ड्रग माफियाओं के बीच हुई गैंगवॉर का नतीजा है। अमेरिका के ओहायो शहर में एक शूटर ने वॉलमार्ट स्टोर में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। बाद में हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमलावर का नाम और हमले का क्या मकसद था, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। अचानक होने वाली मौत के बढ़ते मामलों पर ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में एक नया खुलासा हुआ है। ICMR के मुताबिक अचानक होने वाली मौत का कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। ICMR की स्टडी में ऐसी कई वजह सामने आई जिनकी वजह से अचानक मौत की संभावना बढ़ी है। ICMR के मुताबिक कोविड की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना अचानक मौत की एक वजह हो सकती है। साथ ही परिवार में अचानक मौत का इतिहास, लाइफस्टाइल में बदलाव और बहुत ज्यादा मेहनत भी अचानक मौत की वजह है। इसके अलावा अधिक मात्रा में शराब और सिगरेट पीने की लत भी अचानक मौत की वजह बन सकती है। ICMR ने अपनी स्टडी में 18 से 45 वर्ष के 729 लोगों को शामिल किया था। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों के 47 अस्पतालों में हुई मौत के आंकड़ों का अध्ययन भी किया गया। ये वो लोग थे जिनकी अचानक मौत 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच हुई थी। इस स्टडी में ये सामने आया कि युवाओं की अचानक मौत और कोविड वैक्सीन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। Z News.